कबीर मन पंखी तयो, कबीर मन पंखी तयो, कबीर मन पंखी तयो, कबीर मन कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दे दिस जाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दे दिस जाए, उड़ उड़ दे दिस जाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो। जो जैसी संगत मिले, संगत मिले जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, सो कैसो फल खाए, सोते सो फल खाए, सोते सो फल खाए, कबीर मन कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दे दिस जाए, उड़ उड़ दे दिस जाए, कबीर मन पंखी भयो, कबीर मन पंखी भयो। जो जैसी संगत मिले, जो जैसी संगत मिले, सोते सो फल खाए, सोते
कबीर जी दे बड़ी सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच असीं सारे रल के पढ़दे हां। कबीर साहब दे बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बणतर, जिसनों असीं कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, बणतर दा एक टांग है। कोई एक टॉपिक शुरू किया जाता, वो टॉपिक दा नवा राग शुरू होता है। जदों भी नवा टॉपिक शुरू होएगा, नवा राग शुरू होएगा, जिहड़ा कॉमन मैन है, पढ़न वाला सादा मनुख, जो बाणी खोजना चाहता है, उन्हों आप मुहारे पता लगता है इतों बाउंड्री दा, हाशिए दा कलर चेंज हो गया, नवा पेज शुरू होएगा, नवा राग शुरू होएगा और बाउंड्री का कलर चेंज हो जाएगा। चौथा पॉइंट, जदों नवा राग शुरू होएगा, नवा टॉपिक शुरू होएगा, सब तो पहला गुरु नानक साहब की बाणी शुरू होएगी। कुछ ऐसे राग हैं जिमें देवगंधारी या बैराड़ी, जिन्हों में गुरु नानक साहब की बाणी नहीं, जिथे गुरु नानक साहब की बाणी नहीं होएगी उत्थे फिर मैला दूजा या तीजा या चौथा पंजवा की बाणी शुरू होएगी। पर जदों नवा राग नवा टॉपिक शुरू होया, गुरु नानक साहब की बाणी शुरू होई, तो गुरु नानक साहब तो बाद उस टॉपिक उत्ते जेकर दूजी पातशाही का शब्द है वह शुरू होएगा, जदों गुरु नानक साहब के सारे शब्द उत्थे लिखे जा चुके होंगे उस टॉपिक। अते गुरु अंगद पातशाह दे शब्दां तो बाद फिर गुरु अमरदास पातशाह दे, फिर गुरु रामदास पातशाह दे, गुरु अर्जन पातशाह दे, अते फिर गुरु तेग बहादुर साहब दे। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक राग उसका टॉपिक कंक्लूड किया जाता है और उत्थे टोटल गिणतियां लिखिया जांदियां। जदों असीं अखंड पाठ करदे हां असीं उह गिणतियां नहीं गिणदे, गिणतियां लिखिया जांदियां, शब्दों में राहु लिखा होता है, उपर लिखा होता है सोरठ मैला पहला दुपदे, मीनस दो पदे का शब्द है सोरठ राग विच। अते जिथे दुपदे दे शब्द खत्म होंगे उत्थे टोटल एक होर होएगा, फिर तिपदे दे शब्द शुरू होंगे, फिर नवा टोटल शुरू होएगा। पर जिथे सोरठ राग विच गुरु नानक साहब के सारे शब्द कंप्लीट होंगे उत्थों फिर अगला टोटल शुरू होएगा। ये तुसीं जदों घर बैठते हो, गुरबाणी पढ़ते हो, बड़े सारे सज्जन खोजी हो, इस तरह असीं गुरबाणी नूं ज्यों ज्यों पढ़न की जात सीखते हाँ, सानूं स्पैसीफिकली वो टॉपिक समझ आता कि बारे गल चल रही। जदों असीं बाणी इस तरीके नाल पढ़न लगते हाँ ना, ए राग है, यह गुरु पातशाह का शब्द है, शब्द का सेंट्रल आइडिया राहो च यह कहता पिया है, यह टॉपिक चल रहा, वह सानू आदत बनाता है कि मैं स्पैसीफिकली एक स्लॉट विच इस शब्द को समझण का यतन करा, यह शब्द मेरी केड़ी बीमारी फिक्सअप कर रहा है। इंज बाणी की बणतर विच असीं सीखते हाँ, जदों गुरु पातशाह जी की बाणी का टोटल हो जाता है फिर उत्थे दोबारा लिखिया मिलेगा। मान लिया सोरठ राग विच गुरुआं दी बाणी कंप्लीट होई, टोटल लिखिया गया, फिर लिखिया होएगा राग सोरठ बाणी भगतां दी, उसे टॉपिक उसे राग विच। जो ही बाणी भगतां की शुरू होएगी, सब तो पहला कबीर साहब दे शब्द शुरू होंगे।
जे कबीर साहब ने उहदे विच शब्द नहीं उचारिया तो फिर बाकी भगतां दे शब्द शुरू हो गए। जिथे टोटल राग का सबजैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उत्थे फिर गिणतियां पा के टोटल किया जाएगा। असी इस नूं अज दी लैंग्वेज कहना शुरू किया है कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम। जिमें कंप्यूटर अंदर तुसी किसी दा जे पासवर्ड ना पता होए तां तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब दे विचकार कोई भी मनुख इस ढंग नाल बणतर बनाई गई है कि मिलावट नहीं कर सकता। इस करके जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं असी मत्था टेकदे आ ना, इह सारी दुनिया नूं गुरु पातशाह जी दी मेहनत नाल वैल्यूएबल एफर्ट्स दे नाल प्योरेस्ट फॉर्म इस प्राप्त होया है, इहदे च कोई मिलावट नहीं है। जो ये सुनिया देंदा है गुरु ग्रंथ साहिब उस सुनिया समझन वास्ते सानू बाणी की बणतर सीखनी चाहिए है, बाणी की बणतर समझनी चाहिए है। इफ आई फील आई एम लॉस्ट, जे मैं सोचदा कि मैं गुआचिया होया, मैं जीवन की जाच नहीं है, बाणी की बणतर की मैं गल कर रहा सी कि कबीर साहब के जो भगतों की बाणी के शब्द शुरू होते हैं उस टॉपिक, इन सारों तो इलावा कबीर जी दे कुछ श्लोक हैं 200 तो उत्ते श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब के अखीर विच उन्हां दा नाम रख्या गया है श्लोक कबीर जी के लड़ीवार। इंज फिर 130 दे करीब श्लोक फरीद जी के। इंज गुरु पातशाह दे जिहड़े वारां दे नाल श्लोक सन उन्हां श्लोकां तो वध रहे श्लोकां दा नाम अखीर विच कट्ठे करके उस टॉपिक दा नाम रख दिता श्लोक वारां ते वधीक, एक नवा टॉपिक दा नाम रख दिता। सो ये सारे अखीर विच आ, जिथे कबीर जी दे श्लोक हन उन्हां च अज 86 नंबर श्लोक असी पढ़िया। कबीर जी अज सानू समझान लगे ने तेरा सोचनी दा ढंग किस कारण की बन गया है। साडे घरां विच असी देखदे आ साडा बच्चा विगड़ गया, असी देखदे आ मेरा फलाणा सुनन वाला जानन वाला मेरा फ्रेंड मित्र बचपन ही अच्छा सी, वड्डा होके पता नहीं क्यों विगड़ गया। फिर असी कईयां दे बारे सुनदे आ बचपन ही बहुत शैतान सी, चंचल सी, टिकदा नहीं सी, कहना नहीं सी मंदा, पता नहीं अचानक की कला वरती है वड्डा होके सीधे पासे पै गया है, खंडे की पौल छक ली है, शराब छड़ दिती है, गलत काम पासे नहीं जांदा। ये की होंदा है? ये कोई अचानक जिस तरह बिजली कड़कदी है या अचानक कोई एक पेड़ थल्ले बैठे तो लाइट आ जाती है, प्रकाश हो गया, उंज नहीं है गुरमत दे सिद्धांत। दिस हैपनिंग इज नॉट जस्ट अचानक किसे दे। की होंदा है? मनुख नू आज समझा रहे ने की होंदा है। कहंदे ने कबीर मन पंखी पयो, मेरा मन पंखी हो गया। पंखी कहंदे ने बर्ड, बर्ड कहंदे ने पंछी नू, पंछी बहुत दूर दूर उड़ के जाते हैं। कहंदे ने मेरा मन इस घर च नहीं रहिंदा। उहदी की निशानी है जदों मेरा मन घर च नहीं रहिंदा? सब तो पहली निशानी है आई विल टॉक अबाउट अदर्स, मैं लोगों बारे गल्लां करांगा, मैं अपने आप नूं जज नहीं करांगा, मैं लोगों नूं जज करांगा कौन शरीफ है कौन बदमाश है, मैं लोगों बारे गल करांगा कौन संत जी है ते कौन शैतान जी है, मैं लोगों बारे गल्लां करांगा कौन आस्तक है कौन नास्तक है, मैं लोगों बारे गल करांगा कौन रब नूं मनदा है ते कौन नहीं मनदा, मैं लोकां बारे गल करांगा कौन कामयाब है ते कौन कामयाब नहीं है, मैं लोकां बारे गल करांगा किसी ईमानदारी दी कमाई है ते कौन बेईमानी करके कमा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मन अपने काम छड़ के दूजियां दे कम्मां विच
दखल देने की आदत पा चुका है। दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट अदर्स। पर असी गुरबाणी च पढ़ते हैं, स्पेंड सो मच टाइम टू फिक्स अप योर सेल्फ सो दैट यू डोंट हैव स्पेयर टाइम टू टॉक अबाउट अदर्स। अपने उत्ते इतना समा लगाओ कि तुहाडे कोल 24 घंटे च वेल ही ना बचे कि तुसी दूजे वास्ते गल कर सको। सानू तो पता होंदा दूजे दे घर घिया चढ़िया कि दाल चढ़ी है, सानू पता होंदा फलाने दे घर जवाई आया वापस नहीं गया, सानू पता होंदा फलाने दे घर फलाने आए वो जाणगे कदों, सानू पता होंदा उन्हां दी नूं आया साल हो गया हुण तां कोई कहानी बाहर नहीं निकली, झगड़ा क्यों नहीं होया? क्यों? क्योंकि असीं वेले हाँ लोकां दे टब्बरां दे विच दीवारां तों पार लंघ के गुरु जी नूं कहिंदे आ कि गुरु पातशाह रब जी अंतरजामी ने, असीं अंतरजामी हाँ, असीं लोकां दे दिलां दी जाणदे हाँ, लोकां दे घरां च की हो रहा, वट काइंड ऑफ पढ़ाई असी कर ली है, केड़ी पढ़ाई कर ली है, केड़ी अमीरी असी माण ली है, बन की गए। कबीर साहब कहते ने मन पंखी पियो, मेरा मन बर्ड बन गया, उड़ उड़ दह दिश जाए, दिश होंदा दिशा, दिश दे ससे नूं औंकड़े नहीं लगा है प्लूरल, पर दस दिशावां नहीं होंदियां, चार या दस दिशा नहीं होंदी, ये बाहरली गल चल रही है। मेरे जिहड़े इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने ना जिन्हां नूं असीं दस द्वारे कहिंदे आ, नौ द्वारे प्रगट की दसवां गुप्त रखा, मेरे इन्हां सारे इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां तो मेरा मन बाहर निकल जाता है, मेरियां अक्खां दूजियां नूं देखदियां रहिंदियां, इत्थों मेरा मन बाहर चला गया, मेरे कन्न इत्थों बाहर निकल जाता है, लोगों की निंदा सुनना पसंद करता है, मेरी जीभ इत्थों बाहर निकल जाती है, तो मेरी जीभ दुनियावी चीज़ां देख देख के खाण के चस्के विच पैंदी। इस तरीके दे नाल मेरा मन इस शरीर दे दसां द्वारियां चों बाहर निकल जाता है, पंखी बन गया, अपने ते ठुका रहा सी, अज कबीर जी मैनू समझा रहे ने मेरा मन पंखी बन गया, उड़ उड़ के बाहर निकल जाता है, दह दिस जाए। हुण बाहर जदों निकलदा हुंदा की है, एक होर केमिस्ट्री मेरे सामने रख, मेरी साइकी समझाई कि वापरदा की है सारी दुनिया के लोगों के नाल, जो जैसी संगत मिले, मेरा मन जदों बाहर जाता है जैसी जैसी संगत करता है सो तैसो फल खाए। पंछी जाते ने, तोतियां नूं फ्रूट पसंद है तोते वो वाला फ्रूट खाते ने, कोई होर पंछी जाते ने कुछ होर खाते ने, कुछ होर पंछी बगले वांगू जाते ने वो पानी चो मच्छी फड़ के खाते ने, कां और इल पंछी ने इतने उच्चे उपर उड़ते हैं पर थले मुड़दार देख के खाते हैं, जिथे देखा मृत को इल बैठी आए, इल वांगू इतना उच्ची उडारी मार के आईज के नाल इतनी जमीन की गहराई तक छोटा जा चूहा देख लेंगे। अपना अपना फ्रूट अपना अपना फूड लभ लेंगे ने, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन बाहर निकल के गया, मन ने देखा लोग शराब पीते हैं शायद बड़ा मजा आता है, मन ने जे संगत कीती है तो यदी की कसवटी होएगी कि मन ने शराबी की संगत कर ली, यदी कसवटी होएगी जिस दिन मेरा मन मैनू कहेगा कि शराब पीनी चाहिदी है और मैं शराब चुक ली और मैं शराब पी ली, मानो मेरे मन ने शराब दी कुसंगत कर ली। पर चार शराबियां छड़ चाली छड़ चार हज़ार शराबी खड़े होन उन्हां दे विच भी खड़ा होके जे मेरे मन ने शराब दी संगत नहीं कीती तां शरीर शराब नहीं पिएगा। एक्शन फॉलोज सब्जेक्ट टू व्हाट मन थिंक्स एंड व्हाट मन थिंक्स ब्रेन माइंड ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली तो शरीर काम करता है। इहदा मतलब जदों असी सोचते सी लोकां दे नाल उठो बैठो तो कुसंगत हो गई या सत्संगत हो गई, ना कुसंगत किसी नाल होंदी है ना सत्संगत किसी नाल होंदी है,
सतगुर दे नाल संगत होंदी है, उहनूं बाणी च कहिंदे ने सतगुर बाजो संगत ना होई। ते सतगुर दी संगत कौन करदा है? असीं पढ़दे हां शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जैसा मेरा मन सोचदा है उस तरह मेरी सुरत उस पासे चलदी है। तो जे शब्द गुरु दी संगत करदा है तां सुरत चेला बन जांदी है। सुरत सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे पूरी बॉडी उस पासे संगत करन लग पैंदी है। हुण असी इस गल तों अगे चलिए, अगले श्लोक च कहिंदे ने कबीर साकत संग न कीजिए दूर जाइए भाग। साकत दा संग नहीं करना चाहिए। तुसी बाहर प्रदेशां च रहिंदे हो, मैं भी अमेरिका तक रह के देख लिया, ते आज इंडिया विच भी तुसी किसे इंसान नू साकत नहीं कह सकते। यू कैन नॉट लेबल एनी बडी, झगड़ा हो जाएगा। किसे ते इंसान नू जे असी साकत नहीं कह सकते, कबीर साहब कहते हैं कबीर साकत संग ने कीजिए दूर है जाइए भाग। जे मान लिया एक बंदे नू असी साकत कह दीए उहदे कोलो दूर किवें नसांगे, ते जे साडे नाल उहदी कार आके खड़ी हो जाए ट्रैफिक जैम होवे फिर की कार चों उतर के दौड़ांगे। पर जे असी किधरे गए होए आ उत्थे साडा लेबल लगाया बंदा आ जाए जिहनूं असी साकत कह रहे हां, जे उह आ जाए फिर की करांगे, नस जांगे। कबीर साहब इन्नी कच्चियां गल्लां नहीं करदे ने। उहनां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज कीती गई है, उस बाणी नूं गुरु नानक साहब ने एनालाइज कीता, इस करके गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी नूं गुरु कहिंदे आ। ते कबीर साहब ने भी बहुत ग्रेट सुनिया दिता है, जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूँ दर्शना। दर्शना की होंदा? इन अखा नाल देखना नहीं होंदा, दर्शना होंदा उन्हां दे ख्यालां नूं फॉलो करना। जो सच नाल नहीं जुड़ते ने मैं उन्हां ख्यालां नूं मन दियां अखां नाल नहीं देखता, मैं उन्हां तों स्टे अवे रहिंदा। मनुखा तो स्टे अवे रहने नाल कुछ नहीं होएगा। कबीर साहब कहते हैं साकत संग ना कीजिए दूर है जाइए भाग। तैनू जेड़े जेड़े माड़े ख्याल लगते ने ना उन्हां तो दूर रहा कर। मनुख नहीं शरीर नहीं, शरीर दा मन जो सोच रहा उस ख्याल तो परे जाना है। आमतौर पर इंडिया दी जेलां दे बाहर लिखा होंदा है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तेरा मन की सोचदा है, मन चंगा सोचेगा सीधे पासे पवेगा तां तू साकत ख्यालां तो छुट जाएगा। साकत ख्यालां नूं गुरबाणी विच जम बुद्धि कहते हैं, साकत ख्यालां नूं गुरबाणी विच मैला मन कहते हैं। साकत ख्याल किसी मनुख दे नहीं होंदे ने, साकत ख्यालां नूं असी डीमन्स थॉट कह सकते हैं। जमा वाले ख्याल, जमा वाले ख्यालां नाल की होंदा है? अवगुणी जीवन बनता है, मन मैला होंदा है, कुड़ियार बन जाते हैं, सच्यार नहीं बन पाते। सारे दा सारा जपजी साहिब सानू एक सवाल उत्ते खड़ा करता है। सवाल की है जपजी साहब का कि मैं सच्यारा किवें बना, मैनू कूड़ लग गई है, मैनू मैल लग गई है, मैनू पता नहीं सी मैं बच्चा सी, बच्चे नू नहीं पता होंदा इनोसेंस होंदी है, पर मैनू मैल कदों तो लग गई मैनू पता ही नहीं लगा, हुण मैं सच्यारा होना चाहना। दैट इज द परपज ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का परपज की है? मैं मत्था टेक रहा, अपनी मत रख रहा। गुरु जी तुहानू अकल ज्यादा है, उन्हूं कहिंदे ने तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी ना, मेरे कोल अकल घट है।
पर जे ख्याल आ जाए मेरे को अमरीका का वीजा है, मेरे को अमरीका का पासपोर्ट है, मेरे को अमरीका मकान है, मैं अमरीका मर्सिडीज चलाना हूं, हूँ मैनू की सुचार बनने की लोड़ पई है। मैं इन सारिया चीजा की कामयाबी नूं सुख समझ रहा सी, समाज रखी रखाई है, चार छड़ सारा समाज मैनू सलाम करता है, पूरी बिरादरी साड़ी बड़ी बहजा बहजा है, साड़ी जात बड़ी उच्ची है। इन्हां गल्लां दे विच जदों खचत हो जांदे आ, फस जांदे आ, ख्याल ही नहीं आंदा कि मैं सच्चार बनना है, ख्याल ही नहीं आंदा कि मैनू मैल चढ़ गई है। किम सच्चारा हुई है, क्यों कूड़ा टुटे पाल, मेरी कूड़ दी पाल किस तरह टुटे, मेरी ये मैल दूर कर दियो, मैनू छुड़ा दियो। जदों ये वाली अंदरों जील पैदा होती है ना, ये स्पिरिट पैदा होती है, ये भावना पैदा होती है, वो मनुख पुछता है किसी नू धक्के नाल घोड़े नू पानी को ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। सो असी गुरुद्वारे जदों आने हाँ, इस ख्याल नाल आइए, इस भावना नाल आइए कि मैनू अकल नहीं है, तुसी अपनी मत दियो, मत्था टेकन दा भाव मन की मत त्यागो, हर जन हुकम बूझ सुख पाई है, तेनों सुख मिलेगा, यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। हुण जदों कबीर साहब दा ये श्लोक समझिया, कबीर साकत संग ना कीजिए, मंदे ख्यालां दा संग ना करिया कर, दूर रिया कर, दूर है जाइए भाग, वरना पता की हो जाता, मंदे ख्यालों का संग करो तो बासन कारो परसी है तो किच लग गया दाग। जदों तुसी काले भांडे नूं जिहड़ा सड़ गया है उन्होंने जरा जिहा भी टच करो ना, कालख लग जाती है, कालख दे नेड़ियों लंघो तां उह साडे कपड़िया नूं लग जाती है, साडे अंगा नूं लग जाती है। कबीर साहब कहिंदे ने इस करके मंदे ख्यालों तो दूर रिहा कर। हुण इसनों अज दे अपने ते टुका के कंकलूड करदे आं, साडा घर दा कोई भी इंसान मेरे समेत किथे गया ही नहीं, ना तां नंबर ऑफ पीपल इज गया पैड़ सिखन देखण, ते ना वो किधरे किसी पार्टी च गया, बड़ी दूर दूर लोकी रहिंदे ने, भावें अलास्का जैसी जगह रहिंदे हो जिथे 100 100 मील तक किसी दूजा मकान ना हो, बंदा ना नजर आता हो, फिर किवें मन बिगड़ जाता है, मनुख किवें बिगड़ जाता है। कबीर जी दे ख्याल नूं अज दे हालातों ते टुका के देखिए, बच्चा इंटरनेट ते बैठता है और दूर दूर तक गलत गलत चीज़ां देखता है, चैट करता है, ईमेल करता है, गूगल सर्च करता है, पर इहदे विचों अपनी सेहत ठीक करन दीआं दवाइयां नहीं लभदा, अपनी हेल्थ नूं, अपनी रिलेशनशिप नूं, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऐसियां चीज़ां नहीं लभदा, फैशन लभदा है, कौन डांस किवें कर रहा है ये देखता है। हुण जदों उसने ऐसा कुछ देखिया, किधरे गया भी नहीं, बेडरूम अंदर ही सी, पर उसनु पता है मैं गलत चीज देख रहा, भावें धर्म नहीं पढ़िया, उसनु नहीं पता कि मैं ना चाहद्या भी गलत चीज देख रहा हाँ। उहदी निशानी की है, जदों बच्चा टीवी ते और इंटरनेट ते गलत चीज देख रहा होएगा, मम्मी पापा आणगे, वुडन फ्लोरस होंदे ने, उहनां दे कदमां दी आवाज़ आएगी, इन्ने कन्न उधर धरे होंदे ने, वह ज्यों ही नेड़े आंदे सुनाई देगा कि अपने कंप्यूटर की विंडो मिनीमाइज कर देगा, दूजी खोल देगा, मैं होमवर्क कर रहा, मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा, क्यों उन्हें पता है मैं गलत चीज़ देख रहा। हूँ उसने इंज किया, इंज करन तो बाद की होया, आस्ता आस्ता वो जो देखदा सी वैसे कपड़े पाने शुरू कर दिते,
जो देखदा सी वैसे डांस करने शुरू कर देते हैं, जो देखदा सी वैसे वाले ख्यालों के नाल उहदे करैक्टर सारा बिगड़ गया। यह जिहड़ी गल है ना, टीवी ते बैठिया करोड़ां मील दूर तो मुरदार पकड़ लिया, मैल चुक लिया। कबीर साहब आज इस पूरी दुनिया नू ए कैमिस्ट्री समझा रहे हैं, कबीर साकत ख्यालां दा संग ना करिया कर, साकत संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, अदरवाइज जिवें काले कालख दे कोलो लंघो तां कपड़िया ते दाग लग जांदा है, तेरे मन उत्ते दाग लग जाएगा, मन होर मैला हो जाएगा, तेरा जीवन नहीं बदलेगा बल्कि तू होर परेशान हो जाएगा। दुनियावी सुख राम सारे तेरे कोल होंगे पर तू संतोखी नहीं बन सकेगा, कंटेंटमेंट कदे नहीं आएगी, ते जिसनू कंटेंटमेंट ना आए वो कदे भी सैटिस्फाइड नहीं होता। कंटेंटमेंट और सैटिस्फैक्शन इच फर्क है। सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है जो मैनू पसंद आ वो मिल गया, आई एम सैटिस्फाइड। कंटेंटमेंट का मतलब होंगे जे सुख दे ता तुझे राधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इति राजा, दुख विच सुख मनाई। कंटेंटेड संतोख, संतोखी नू चैन आ जाता है, संतोखी हर हाल विच खुश रहना सीख जाता है, संतोखी दी कोई डिमांड्स नहीं रहंदियां, संतोखी दी कोई मंग नहीं रहती। कंटेंटमेंट वाला लोगों तो एक्सपेक्टेशंस छोड़ देता है, कंटेंटमेंट वाला पति पत्नी तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, झगड़ा नहीं होता। कंटेंटमेंट वाली पत्नी पति तो कुछ नहीं मंगती, झगड़े मुक जाते हैं। द मोर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स द मोर वी आर इन प्रॉब्लम। कबीर साहब आज इस सारी खेड नू मेरे ते जो वापरदी है ओदी पूरी गहराई तक बीमारी नू समझांदे ने तां उहदा हल दसदे ने कि मंदे ख्यालां तों दूर रहा कर, वरना मन जे बाहर निकल के गया वो अपने अपने ख्यालां दा फल फ्रूट खाया करेगा, तेरा जीवन बिगड़ जाएगा।